अगला आख्री सवाल ये आखिरी सवाल है आज के सेशन का कि विजन 2030 के नाम से एक ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ सऊदी अरब में इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी सऊदी अरब के अंदर क्या देखते हैं आप और सराउंडिंग में में मिडिल ईस्ट इसका क्या फर्क पड़ेगा जॉब के ऊपर जो ट्वेंटी थर्टी विजन जो है इबन सलमान का मोहम्मद बिन सलमान का जो वो है वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है क्योंकि वो उसके अंदर अपनी पूरी इकोनोमी को रीस्ट्रक्चर करना उसको ये समझ आ गई है कि हम जो है ना ऑयल बेच बेच के काम नहीं कर सकते ठीक है ना तो अब कनाडा जो यूएस है वो अपनी मेजोरिटी जो ऑयल है वो कनाडा से लेता है ठीक है जिससे वो लोग फ्रेंडली नेशन का स्टेटस कहते हैं क्योंकि कनाडा जो जहां मैं रहता हूँ ये यूएस की कॉलोनी है मैं यूएस गया था अभी अभी किसी के फ्यूनरल में वहां से वापस आया तो ये कैनेडा की कॉलोनी है यहां से एक बिलियन डॉलर का रोज आना सिर्फ फल फ्रूट दूध दही डबल रोटी ये सब चीजें जाती है ठीक है ना गंदो वगैरह सब कुछ क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है साढ़े तीन सौ मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ की पॉपुलेशन पैंतीस मिलियन समथिंग लाइक दैट राइट टेन परसेंट पॉपुलेशन है यहाँ लेकिन जगह बहुत ज्यादा है इनके पास टिम्बर है हर चीज उनके पास जाती है इसके अलावा ऑयल पेट्रोल अलग जाता है तो इनकी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो ये यह लोग यहाँ से ऐसी कमा लेते हैं तो सऊदिया कोई समझ आ गई तो सऊदिया मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना रहे इसलिए उसने ये रेजिडेंसी परमिट स्कीम भी लेकर आया है जिसकी वजह से वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहा है सब कुछ कर रहा है और सऊदी आराम को ही स्टेट ऑयल जो कंपनी है वही इस पर पैसा लगा रही है वही एक सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होगी जो सबको ऑन करेगी अभी तक वो ऑलमोस्ट तकरीबन 600 बिलियन जो है ना डॉलर लगा चुके हैं 600 बिलियन डॉलर राइट और उन 600 बिलियन डॉलर में वो क्या कर रहे हैं होटलिंग सेक्टर है टूरिज्म का सेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का है नए नए घर बना रहे हैं तकरीबन तेरह लाख यानी बीस लाख के करीब घर बना रहे हैं मल्टीपल चीजें उनकी बन रही हैं हैं सो वो वो एक पूरा वो बना रहे कि उसको बनाकर उसको आगे लेके चले राइट वो अपनी इकॉनॉमी को कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कंज्यूमर आएगा तो कंज्यूमर बेस्ड इकॉनमी बनाएंगे ना अमरीका कंज्यूमर बेस इकोनॉमी ठीक है दैट्स एग्जैक्टली वट दे इसकी वजह से एक बहुत बड़ा और ये सारी की सारी चीजें डिजिटाइजेशन पे चली है डिजिटलाइजेशन यानी कि इसमें मजदूरों की जॉब्स नहीं होंगी मजदूरों को बुलाएंगे काम कराएंगे भेज देंगे बस खत्म ठीक है ना यहाँ पर चौकीदार नहीं होंगे अब तो उसके लिए भी रोबोट्स आ रहे हैं ठीक है ना यहां पर सफाई करने वाले, है, उसके हैं।, वाले हैं उसके लिए रोबोट्स हैं यहाँ सामान उठाने वाले नहीं उसके लिए भी रोबोट हैं मशीने हैं यहाँ पर जो जॉब्स होंगी वो डिजिटाइजेशन की जॉब्स हैं ठीक है ना डिजिटाइजेशन क्या है इसके अंदर ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा काम आ रहा है इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी का काम आ रहा है इसके अंदर डेब ऑफ्स का काम आ रहा है इसके अंदर सिस ऑफ का काम आ रहा है इसके अंदर ए आई काम ए आई वो हर चीज़ में ए आई यूज़ कर रहे ठीक है ना अभी हमारी शाह फैसल यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत चल रही है कि वो उनके स्टूडेंट्स को हमारे कोर्सेज एम्बेड करके पढ़ाएंगे ठीक है ताकि वो जो है ना उनके स्टूडेंट्स उन्हीं के इकानमी के अंदर जल्दी जल्दी जॉब पकड़ सके तो सऊदियों को यह बात समझ आ गई है और वो इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है सऊदिया की पूरी कोशिश है कि तमाम मेन पोजिशन में सऊदियों को बिठाएं ये नेशनलिज्म का उनका बहुत बड़ा वो चल रहा है और वो उसके ऊपर बिठाए हाउेवर प्रॉब्लम यह है कि सऊदियों को ये बिठा के पढ़ाओ तो उनको बहुत मुश्किल लगता है वो कहते हैं नहीं यार हमें बिठा के आराम से खिला पिला दो ज्यादा आसान है क्योंकि इतने अच्छे से बादशाह उनको पैसे देता आ रहा है तो नई चीज़ कोई आती जिस को है जिसमें उनको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत मुश्किल है जब मैं उम्र करने गया था पिछले साल तो हर टैक्सी ड्राइवर सऊदी है हर लोडर सऊदी है ठीक है ना हर काम करने वाला सऊदी है कह यार जबरदस्त ठीक है तो बेसिकली कुछ जॉबों के लिए अजम है बाकी तमाम के लिए अरब है ठीक है ना अरब में भी सऊदी है तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि हर चीज़ में वो घुसते चले जा रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है हाउ एवर कुछ फील्ड ऐसी हैं जिसमें मुश्किल है उनका घुसना उनको टाइम लगेगा उनको सब चीजें लगेंगी तो आप लोगों के पास एक मौका है कि आप लोग इस चीज को टारगेट करते हुए इसके ऊपर काम करें मेहनत करें और अगर आपने ये चीज़ें पढ़ ली डिप्लोमा इन एआई ऑफ्स पढ़ा या डिप्लोमा डेफस ऑफ्स पढ़ा आर क्यू लेवल फाइव लेवल सिक्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है बिकॉज वो कोई भी कहीं आप जाओ ना तो आपसे बोलते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है आप बोलो है, मैंने लेवल थ्री किया है इंटर पास हो तो इंटर पास हो ठीक है लेवल फोर किया इसका क्या मतलब है मतलब बैचलर्स का एक साल पढ़ा है बोले कि एक साल पढ़ा बाकी दो साल क्यों नहीं पढ़े ये मसला होगा ना अगर आपने बोला लेवल फाइव पढ़ा है बोले क्या लेवल फाइव पढ़ा है ये किसके बराबर है बोलो यार ये दो साल के बैचलर्स के बराबर यार तो तुमने तीन साल क्यों नहीं किए पूरे ले कर लेते खत्म कर लेते लेवल सिक्स करोगे क्या किया तुमने तो जी मैंने बैचलर्स का डिप्लोमा किया मैं हाँ ठीक है सही है चलो उसको बिठाओ सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती यही हमारी जो यूके की यूनिवर्सिटी का बातचीत चल रही है उन्होंने कहा थ्री एंड सिक्स को हम मानते हैं डायरेक्ट क्योंकि उसमें हमें डायरेक्ट एडमिशन देना है ना थ्री जिसने किया है वो कि कोई भी बैचलर्स जाके स्टार्ट करे सिवाय मेडिसिन के सिक्स जिसने किया है वो कोई भी जाके मास्टर स्टार्ट करे सिवाय मेडिसिन के जाए स्टार्ट करे हमें कोई टेंशन थोड़ी है फोर एंड फाइव में हमें मैच करना पड़ेगा तुमने क्या पढ़ाया हमने क्या पढ़ाया उसका क्या फायदा है? जो ओवरलैप करता है वो हम एग्जाम कर देंगे जो नहीं होता हम बोलेंगे नहीं तुम्हें करना पड़ेगा ये एक है है बट दैट इज इज द प्रॉब्लम थिंग कि अगर आपने करना लेवल अच्छी तरह करो करके बाहर जाओ जाके वहां काम करो क्योंकि वहां बहुत ज्यादा काम आ रहा है सऊदी में एक और चीज है ये पूरी इकोनॉमी डिजिटल डिजिटल उसके ऊपर चलेगी कोई पेपर वर्क कुछ भी नहीं होगा अभी हमारे पास जो सऊदी काम जो हमें साथ कर रहा है अब्दुल्लावैसी जो हमारे साथ जो मैं मक्के में जो बयान दे रहा था तो मुझे वहां एक अरब मिला जिसने कहा कि भाई शोरते यार पुलिस वाला जो है ना मतलब किसने कहा तुम्हें बादशाह जमीन में दबा देगा तुमने बादशाह के खिलाफ इतनी बातें कर ली बात गलत की उसने कहा नहीं बात तुमने सारी सही की मगर यार मैं क्या करूं मुझे ऑर्डर है मैंने कहा तो मैंने कहा भाई जन्नत में दो लोग मिलेंगे जो ना एक कातिल और उसका मकतूल मिलेगा तो कातिल बोलेगा कि यार उसको बोलेगा जिसको कतल किया होगा बोलेगा यार तुम जन्नत में कैसे आ गए उसने कहा यार तुमको मैंने कतल किया और तुम जो है ना अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी और मैं भी जन्नत में आ गया तुम भी जन्नत में आ गया तुम तो शहीद हो माशा ठीक है ना मैंने कहा यार तुम जाओ कर दो तो ये तो उसने मुझे बोला यार उसने मुझे चूमना शुरू कर दिया उसने कहा यार तुम क्या आदमी हो भाई तुम ठीक है ना हर चीज का जवाब है तुम्हारे पास मैंने कहा मैं तुम्हें जवाब हदस अदीसो कुरान से दूंगा और कहीं से नहीं दूंगा तो मैंने कहा अगर तुम करते हो तो यार ठीक है मुझे अच्छा है शादी मिल जाएगी मैं तो ढूंढ रहा होता हूं यार ठीक है ना तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं ठीक है ना तुम तो आओ पर हम तुम्हें अपनी औरतें से शादी कराते हैं तुम वो आदमी हो नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं को फिर कभी इनशाला बाद में द पॉइंट वहां से मुझे अब्दुल्ला कोवैसी मिला तो उसके साथ हम ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर तैयारी चल रही है बट द पॉइंट इज उन लोगों को बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है डेब ऑप्स में सिस ऑप्स में एम एल ऑप्स में ए आई ऑप्स में ब्लॉक चेन में ठीक है ना ऑफेंसिव सिक्योरिटी में तमाम चीजों में सब चीजें तुम्हारे पास वहां मौजूद हैं हर चीज तुम्हारे पास वहाँ मौजूद है जाओ पढ़ो निकालो जाके जाके काम शुरू करो अलरजाक में अगर जाओगे हमारी जिम्मेदारी तुम्हें प्लेस करें सऊदी में प्लेस करना मसले की बात नहीं है वो हम कर सकते हैं ठीक है यूरोप में मसला है तुम्हें जाके मेहनत करनी पड़ेगी काम करना पड़ेगा